İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam. İçinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor. Bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam. İstanbul takımı tutar ama bak atar. Herkesin olmak istediği yer tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçüklerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है यार मैं भी ठीक हूँ। D3 सभ्या गुक्शन की ये बस आप देख रहे हो तो बस है, लोकल बस है, ठीक है। ये इस्तांबुल सफीरे की बिल्डिंग है, ठीक है। और इसकी राइट साइड पे सारा कार पार्किंग एरिया है जहाँ से ये बसेज वगैरह चलती हैं, लोकल बसेज। तो लास्ट टाइम मैं जब यार गोजिक से आया था ना इस्तांबुल, तो मैं इसी बस का जिक्र कर रहा था लेकिन खड़ी नहीं हुई थी वहाँ पे, तो आधे घंटे बाद आनी थी, मुझे जल्दी बहुत थी। तो आज मेरे को जल्दी नहीं है, मैं इसलिए स्टॉप पे पहले से आया हूँ। ठीक 5 मिनट बाद इस बस ने जो है इधर से चले जाना है सभिया एयरपोर्ट पे। ये लोकल बस है, मेट्रो कार से डायरेक्ट चलती है। किराए की बात की जाए तो 10 रुपये किराया, उसका किराया मुझे याद नहीं कितना था, पर मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। चलते हैं फिर एयरपोर्ट पर, मिलते हैं यार सभिया एयरपोर्ट पर, ठीक है। अभी मैं सभिया एयरपोर्ट पे आया हूँ। आज से 1 साल पहले भी मैं इसी एयरपोर्ट पे आया था जब मैं फितिये जा रहा था फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं लेट हो गया था। तो इस बार सोचा यार थोड़ा जल्दी आ जाऊँ ताकि लेट ना हूँ। तो यार सभिया एयरपोर्ट आने के लिए इस बार जो है ना मैंने लोकल बस यूज़ की थी, 211 से चलती है, E3 ए इंग्लिश में बोलते हैं इस वजह से, मतलब ई को ये बोलते हैं इस वजह से, ठीक है। E3 कह लो आप या E3 कह लो, एक ही बात है। तो यार डायरेक्ट वो सभी एयरपोर्ट पे आती है, 10 रुपये किराया लगा उसका। ये इस्तांबुल कार्ड से आप पंच कर सकते हो उसको। पीछे आप मार्केट वगैरह देख सकते हो, बेकरीज वगैरह, इधर भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं यार, अगर खाने का इरादा हो आपका तो। अभी है कि कुछ टाइम तक जो है फ्लाइट है, उसके बाद गोजिक जाना है मैंने, लेकिन गोजिक डायरेक्ट नहीं जाती है, फितिये डायरेक्ट नहीं जाती है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से ना। अभी है क्या यार 1 घंटे की फ़्लाइट है मेरी, और एंजॉय है यार, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और इस साइड पे जो है ना मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ है। फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ मैं भी, अभी टाइम है काफ़ी, तो मैं कह सोलो थोड़ा सा इधर व्लॉग शूट किया जाए, आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। तो सभिया गुक्शन एयरपोर्ट है ये। सभिया गुक्शन एयरपोर्ट पे आने के लिए सबसे इजी तरीका तो टैक्सी है। अगर आप टैक्सी नहीं यूज़ करना चाहते तो हवा बस यूज़ कर सकते हो। हवा बस 2 पॉइंट से मिलती है आपको, नंबर 1 तकसीम है, नंबर 2 कादी कोई है, अगर आप ये भी यूज़ नहीं करना चाहते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये भी यूज़ नहीं करना चाहते तो नंबर 3 है लोकल बस, 211 इस्तांबुल सफीरे से आपको मिलती है, बड़ा इजीली है। 10 रुपये किराया उसका, हवा बस का किराया मुझे नहीं याद इस टाइम कितना है, लेकिन साल पहले भी तकरीबन 18-20 होता था। तो किराए ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते यार यहाँ पर। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। और भी आप लोकल गाड़ियों के ज़रिए आ सकते हो इधर पे, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। अभी मैं सभिया गुक्शन एयरपोर्ट पे हूँ, इस्तांबुल केशन साइड पे मौजूद है, पेंडिंग में लगता है किस्म का। सभिया गुक्शन एयरपोर्ट पे आने के लिए आप 3 बजे से आ सकते हो बड़े आसानी के ज़रिए से। नंबर 1 तो टैक्सी है, अगर आप अफोर्ड कर सको। टैक्सी की भी डिफरेंट प्राइस होती हैं, 120-150, कोई आपसे 100 भी ले सकता है, मतलब डिपेंड करता है यार आप एयरपोर्ट से कितना दूर हो, ठीक है। और अगर आप लोकल बसेस की बात करो या फिर शटल बसेस की बात करो, नंबर 2 पे मैं आपको सजेशन यही दूंगा, हवा बस जो कि 2 पॉइंट से मिलती है आपको। नंबर 1 पे तकसीम है और नंबर 2 पे कादी कोई है। और अगर आप इसके किराए की बात करो तो यार 18 लीरा है। इसके अलावा अगर आप लोकल बस की बात करो तो इस्तांबुल 211 सफीरे
इस्तांबुल सफीरे बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है, इसी की वजह यह है कि वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है इस्तांबुल की, और शॉपिंग मॉल भी है। ठीक है, तो जब आप दोस्त अहमद पे आते हो वहाँ से आप E3 बस ले सकते हो जो कि 10 रुपये किराए पर चलती है और इस्तांबुल कार्ड के ज़रिए चलती है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? यार ये मशीन लगी हुई है सेल्फ बोर्डिंग की, अभी जो है ना मैं सेल्फ बोर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले यार बाशला स्टार्ट करना है, उसके बाद ये ऑप्शन दे देगा आपको, मैं कैमरा पास करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, यार आपको दिखाता हूँ मैं अब सेल्फ बोर्डिंग, ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो यार मेरे पास PNR नंबर है तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, यहाँ भी आगे ऑप्शन है तो PNR नंबर पे ही जाऊँगा। तो यार ये PNR नंबर लिख दिया मैंने, तो वहाँ में ये देख लो यार, इस्तांबुल सभिया से लेके सारी डिटेल दे दी है। हम 5 बंदे जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरी है तो मैं अपनी निकालूंगा। अब वो पूछ रहा है कि यार बिनिशकार्त वार्मा, बिनिशकार्त यासिर, SMS कौन दर? बिनिशकार्त यासिर पे मैं क्लिक करता हूँ, देख लो यार बिनिशकार्त यासिर, देख लो यार बाहर आ गया कार्ड, ये मैं यहाँ से निकालता हूँ। इसके अलावा यार ये पूछ रहा है बगज वेयर में किस स्टाइल में सीने, मैं इधर अवैध करता हूँ, ठीक है, देख लो इस शेप में बैग को रखना है नीचे यहाँ। अब मेरे पास बड़ा बैग तो है नहीं, ये छोटे वाला है, ये देख लो यार इसका, इसने वज़न करके बता दिया है 5 किलो। इसको मैं दवा में करता हूँ, अब इसका स्टिकर भी इधर से निकल जाएगा, ठीक है। ये लो, ये इसका स्टिकर है यार, ठीक है, ये इसका स्टिकर है जो कि मुझे इधर लगाना है इस पे, और ये इसलिए में तमाम, ठीक है, उसने दे दिया कि उधर जाके रख देना और बैग खुद चला जाएगा। ये तरीका कार है सेल्फ बोर्डिंग का। दालामान का एयरपोर्ट इस्तांबुल से, जब भी आपको कह लो फेथी या मरमरिस आना हो तो आपको पहले दालामान आना पड़ता है, ठीक है। ये दालामान शहर है, बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ मैं पिछले साल भी घूम फिर सका हूँ, बस वीडियोज़ नहीं शेयर की इसकी। तो ये आप दालामान शहर के एयरपोर्ट से या तुर्की के किसी भी शहर के एयरपोर्ट से अगर आप बात करो ना, तो शहर के सेंटर में हर जगह जो है ना गाड़ियां जाती हैं, यहाँ तक कि लोकल गाड़ियां भी चलती हैं और डायरेक्ट शटल बस सर्विस भी चलती है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने मरमरिस जाना हो तो उसके लिए भी शटल बस लेनी पड़ेगी, आपको फेथिए जाना हो तो उसके लिए भी शटल बस लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जो है ना अभी कह लो कोचिक जाना है, और गोजेक के लिए जो है ना फेथिए की बस में ही बैठना पड़ता है क्योंकि 15-16 किलोमीटर दूर है इधर से,
और बड़ा इजी टू एक्सेस है यार। मुझसे यार एक दो बहुत लोग पूछ रहे थे यार इधर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना कोई ख़ास नहीं लगता उनको। हालांकि यार मुझे तो ऐसा कोई भी फील नहीं हुआ सीन कह लो, मेरे हिसाब से तो सारा कुछ ओके है कह लो। तो यार ये सिक्योरिटी का हमला देख रहा था, मैंने मास्क नीचे किया हुआ है ना। खैर चलता है यार, पर यार ये पहला एयरपोर्ट है जो मुझे बड़ा एग्ज़िट के मामले में बड़ा सीधा सीधा लगता है, क्योंकि जैसे ये एयरपोर्ट से आप बाहर निकलो ना, ये इस तरफ ये मेरी बैग पे, मेरी बैग पे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना ये लगी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपने बैठना है। और सबसे बढ़ के गाड़ियों के ऊपर लिखा भी हुआ है कि यार ये गाड़ी किस तरफ जा रही है। देखो यार मरमरी सब फेथिए, मुझे फेथिए वाली में बैठना है। चलते हैं फिर यार गोजेक और मिलते हैं गोजेक में जा। दलामन शहर का एयरपोर्ट है कह लो, और इस बस में बैठ के जो है मुझे जाना है गोजेक। फेथिए भी यही बस जाती है, इसके किराए की भी अगर बात की जाए तो 20-22 रुपये होगा यार, अब मुझे भी याद नहीं है इस टाइम कितना होगा, साल पहले इतना ही था, ठीक है। और मरमरिस भी जिसने जाना तो वो इधर से जाता है, क्योंकि मरमरिस में भी एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है अपना कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।